महिलाएं पिछले कई दिनों से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा लेकर पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सीएए का समर्थन किया। सीएए के समर्थन में ये मामला था। हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रदर्शन ना करे और नरेंद्र मोदी जी का साथ दे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ नहीं है। शाहीन बाग में जो लेडीज़ बैठी हैं वो सिर्फ बहकाए में बैठी हैं, और हम लोग चाहते हैं वो किसी के बहकाए में ना आए, अपनी सोच और समझ से खुद कुछ करें, ना कि किसी और की सोच समझ से चलें, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दे। ये मुस्लिम समाज के जो आज लोग हैं ये समर्थन में आए हैं मोदी जी के, जो मोदी जी ने कानून बनाया है सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम, और हम सब मोदी जी के साथ हैं। जो लोग हिंदुस्तान में गद्दारी कर रहे हैं और मुस्लिम समाज की जो नौजवान लड़कियां हैं उन्हें बहका के शाहीन बाग में, देवबंद में, लखनऊ में जो प्रदर्शन करा रहे हैं वो बहके हुए लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि हिंदुस्तान आज़ाद है, जिस बात की आज़ादी चाहिए उन्हें। वो छोटे छोटे बच्चों से आज़ादी के नारे लगवा रहे हैं, हमें चाहिए आज़ादी। अरे मोदी जी ने मना करा है कि दिल्ली ना जाओ, मोदी जी ने मना करा है कि आप शादियां ना करो। अमेठी में किसानों की समस्याओं